क्या देख पाएंगे। 5:11 हो रहे हैं और 7 तारीख आज है और अभी से ही लोग लाइन लगा चुके हैं, यह देख पाएंगे। और यह लोग स्नान करेंगे 9 तारीख की भोर में, जब 8 तारीख के बाद 9 तारीख आता है तभी स्नान करेंगे। और किस तरह से यहाँ पे देखिए घुमावदार जाली नुमा बना दिया गया है और इसमें लोग लाइन लगा कर किस तरह से बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के टेंगरा मोड़ पर और यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे बाई रोड लोलारा कुंड तक। आपको रास्ता दिखाएंगे किस तरह से, जो कि टेंगरा मोड़ से लोलारा कुंड पहुँचते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम इस समय टेंगरा मोड़ पर मौजूद हैं और आपको ब्रिज के ऊपर लेकर खड़े हैं। देख पाएंगे यह ब्रिज है और नीचे जो कि टेंगरा मोड़ है, जहां से कि आपको ऑटो मिल जाएंगे लोलारा कुंड जाने के लिए। जो लोग मिर्जापुर की तरफ से आ रहे हैं यहीं पर उनको रोका जाएगा। यहाँ पर रुकने के बाद वह ऑटो से या ई रिक्शा से जा सकते हैं, या फिर जो लोग बाई कार आ रहे हैं वह लोग जो कि रामनगर होकर या फिर यह विश्व सुंदरी पुल होकर जा सकते हैं, देख पाएंगे। और यहाँ पर जो कि इस साइड में जो कि रामनगर है, नीचे से रामनगर से भी होकर जा सकते हैं। और जो लोग मुगल सराय से आ रहे हैं दोस्तों, वह लोग भी जो कि रामनगर होकर जा सकते हैं और विश्व सुंदरी पुल जो कि उस पर से भी होकर जा सकते हैं। तो आपको रामनगर की तरफ का जो रास्ता जाता है वह भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह जो कि रास्ता रामनगर चला जा रहा है, यह देख पा रहे हैं जो कि ट्रक जा रही है रामनगर चला जाएगा। आप रामनगर से जो कि सामने घाट पुल होते हुए भी लोलारा कुंड पहुंच सकते हैं और इधर से भी आप पहुंच सकते हैं सीधे जो कि विश्व सुंदरी पुल से होकर। तो आपको ले चलते हैं विश्व सुंदरी पुल की तरफ से, रास्ता दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम आपको ले चल रहे हैं अब लोलारा कुंड की तरफ और यह देख पाएंगे जो कि बस नीचे से आ रही है, जो कि अभी रास्ता आपको दिखाया टेगरा मोड़ वाला। आप ऑटो पकड़ेंगे तो यहीं से जो कि आपको लेकर आएंगे जो कि ऑटो वाले, या फिर बाई कार भी आप आ रहे हैं तो आने के बाद जैसे कि देख पा रहे हैं गाड़ियाँ चल रही है ऊपर इसी तरह से चढ़ने के बाद सीधे जो कि विश्व सुंदरी पुल होकर हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए आप लोलारा कुंड आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यह देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस समय जो कि विश्व सुंदरी पुल है उसी पर हम लोग मौजूद हैं और जो कि गंगा माँ आगे हैं, अभी जस्ट पुल पर चढ़े ही हैं और आगे आने पर देख पाएंगे जो कि गंगा माँ जो कि अभी जलस्तर कम हो गया है बनारस का, यहाँ पर मौजूद है और गंगा जी पार कर जो कि हम लोगों को नीचे उतरना है। इसके बाद आपको सामने घाट होते हुए ले चलते हैं लोलारा कुंड, देख पाएंगे। और यह जो कि सामने घाट का शास्त्रीय पुल है जो कि वीडियो में दिखाई दे पा रहा है। देख पा रहे हो दोस्तों कि अब हम लोगों को यहीं से उतरना है और जो लोग सीर होते हुए जाना चाहते हैं टोल टैक्स से वो लोग सीधे भी जा सकते हैं और जो बाइक से या ऑटो से हैं उन लोगों को इस तरफ से ले जा जाते हैं और कार से भी जा सकते हैं आप। यह जो कि पुल के नीचे हम लोग आ चुके हैं और सामने ही जो कि स्वामी हरसेवानंद स्कूल है, इसी स्कूल के नीचे से जो कि मदरमा मलहिया होते हुए आपको ले चलते हैं। तो कुछ इस तरह का रास्ता है देख पाएंगे और नीचे उतरने के बाद कुछ दुकानें हैं जो कि मार्केट है और यहाँ से हम लोगों को जो कि लेफ्ट साइड टर्न लेना है। और अगर आप यहाँ आकर भी पूछ लेंगे लोलारा कुंड तो आपको बता देंगे कि सीधे जाना है यहाँ से लेफ्ट मुड़ के। तो देख पाएंगे कि हम लोग टर्न ले चुके हैं लेफ्ट साइड में और आगे जो कि चल रहे हैं और यह एरिया जो कि आपका आता है मलहिया और आगे पड़ता है मदरमा। तो इसी तरह से आपको लेके चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। देख पाएंगे यह सिंगल रोड है जो कि आना जाना दोनों है, सिंगल रोड पर वन वे है। तो जो भी लोग यह वीडियो फॉलो करते हुए जाएंगे आराम से लोलारा कुंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस समय हम लोग जो कि मारुति नगर में मौजूद हैं और आगे जो कि आने वाला है आपका मदरमा और मदरमा में ही जो कि
बिहार बस जो कि स्टैंड है, जो लोग बिहार से आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो होने वाली है। तो जो दोस्तों बिहार स्टैंड है वहाँ भी आपको दिखाते हैं, जो कि बिहार स्टैंड पर उतरेंगे बस द्वारा उन लोगों को, अब स्टैंड हम दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम आपको अब मदरवा में लेकर आ गए हैं, जो कि सामने घाट एरिया में पड़ता है, और यहाँ पर जो कि बिहार बस स्टैंड है, और यहीं से जो कि ज़्यादातर लोग बिहार आते हैं और जाते हैं बस पकड़कर, तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो है, जो कि आप लोग जो भी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं या आना जाना लगा रहता है तो आप बस पकड़कर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यह देख पाएंगे जो कि बिहार बस स्टैंड है, और यहाँ भी जो लोग आएंगे यहाँ से मेरी वीडियो फॉलो करते हुए, आप जो कि सामने घाट होते हुए, ट्रामा सेंटर होते हुए, आप नगवा होते हुए पहुँच जाएंगे, यही रोड जाएगा। यह देख पाएंगे कि काफ़ी सारी यहाँ बसें खड़ी हैं, जो कि बिहार बस स्टैंड है, यहाँ पर जो कि बिहार की बस आती हैं और जाती हैं। तो जो लोग भी इस बस द्वारा भी आ रहे हैं वो लोग भी आसानी से पहुँच जाएंगे, जो कि यहाँ से सामने घाट होकर और उसके बाद जो कि ट्रामा सेंटर होते हुए, नगवा होते हुए पहुँच जाएंगे। तो आगे आपको ले चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों जो कि बिहार बस से आगे बढ़ने पर हल्का सा टर्न है, और इस समय आप आपको लेके चल रहे हैं सामने घाट। सामने घाट से आपका ट्रामा सेंटर होते हुए लेकर चलना है, तो देख पाएंगे किस तरह से, जो कि रास्ता है फिर से हल्का सा राइट टर्न है, और यह जो कि पक्का रोड आप लोग पकड़ के बिल्कुल आसानी से हमारे वीडियो के माध्यम से पहुँच जाएंगे। छोटा सा पुल पड़ता है, यह पुल पार करने के बाद आगे जाना है हम लोगों को। तो इस समय जो कि सामने घाट में हम लोग आ चुके हैं, और देख पाएंगे यह सब दुकानें जो कि है मौजूद हैं बहुत सारी, और सामने घाट जो कि पक्का घाट बनाया गया है उसी के पास इस समय है। तो देख पाएंगे कि सामने घाट पक्का घाट जो कि बनाया गया है, और सामने घाट सनबीम अकेडमी जो कि यहीं पर मौजूद है, और जो कि पुल आपको दिखा रहे थे विश्व सुंदरी पुल से, यही पुल है, और सामने घाट जो कि पक्का घाट यही बनाया गया है और रास्ता यही जाएगा, यह देख पाएंगे। और हम लोगों को सीधे चलते जाना है लोलारा कुंड के लिए, और यह देख पाएंगे जो कि त्रिदेव बिल्डिंग है, जो कि अपार्टमेंट है, और इसी रोड से हम लोग को सीधे पकड़ कर चलते जाना है। देख पा रहे हैं जो कि पुल यहीं से उतर रहे हैं, जो लोग रामनगर से भी आ रहे हैं या चंदौली से, वह लोग भी इसी रास्ते के माध्यम से जा सकते हैं। और इस समय सामने घाट चौराहा यह है, यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट साइड जाना है, और यहीं पर जो कि हनुमान जी की मंदिर है यह देख पाएंगे, और यहाँ से हम लोगों को सीधे चलते जाना है लेफ्ट लेने के बाद। और यह एरिया जो कि सामने घाट का एरिया है, जो लोग बनारस से होंगे या फिर जो लोग आते जाते होंगे उनको पता होगा कि यह बनारस का रोड है जो कि सामने घाट का। दोस्तों आगे आने पर देख पाएंगे कि यह जो कि ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग है, और यह ट्रामा सेंटर का दीवाल है, जो कि ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल है बीएचयू का, यही जो कि यह दीवाल शुरू हो जाता है, और ट्रामा सेंटर गेट के सामने से हम लोग को राइट साइड मुड़ना है। तो आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, देख पाएंगे कुछ इस तरह का रास्ता है। और अभी हम लोग जो कि सामने घाट एरिया में ही है और पहुंचने वाले हैं जो कि नगमा चुंगी जो कि बोला जाता है, और नगमा चुंगी चौराहा है जो कि ट्रामा सेंटर के सामने गेट के। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग ट्रामा सेंटर पहुंचने वाले हैं,
और यह तो देख पा रहे हैं यह जो कि पुलिस चौकी है, यहीं पर नगमा जो कि लंका थाना का, और यहीं पर जो कि ड्रामा सेंटर का भी है। ट्रामा सेंटर से हम लोगों को राइट घूमना है और फिर आगे चलते जाना है। जो कि देख पा रहे हैं भीड़ भाड़ वाला एरिया कौन सा है, जो कि नगमा चौराहा है, और यहाँ से हम लोगों को राइट साइड जाना है और सीधे भी जा सकते हैं लोग रविदास गेट होकर, और हम आपको लेके चलेंगे नगमा चौराहे से ले चलेंगे अस्सी घाट की तरफ से। तो यह देख पाएंगे दोस्तों जो कि नगमा का रोड है, और इधर से जो कि आप जा सकते हैं बाइक कार भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, और जो कि ऑटो टोटो वाले भी आपको इधर से ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पास में लोलारा कुंड के कि जिधर से रास्ता खुला होता है उधर से ही छोड़कर जो कि चले जाते हैं। और आप लोग अगर बाइक कार आ रहे हैं या बाइक से तो बाइक को भी आपको दूर में ही खड़ा करना पड़ जाएगा। और आगे जो कि आपका है रविदास पार्क, और इसी के आगे हम लोग को सीधे चलते जाना है। यह देख पाएंगे जो कि सतगुरु रविदास पार्क यहाँ पर है, और यह गेट है, इसके आगे हम लोग को चलते जाना है जो कि अस्से घाट होते हुए। देख पाएंगे इधर का रास्ता थोड़ा सा वन वे है और सकरा रास्ता है, उस दिन जो कि 1 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है जब लोलारा कुंड का स्नान होता है, तो हो सकता है आप लोगों को गाड़ियां अपनी दूर पर ही खड़ा करना पड़े, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोगों को सीधे ही चलते जाना है। यह देख पाएंगे दोस्तों जो कि हम लोग अब आ गए हैं अस्सी घाट के पास, और यही रोड होते हुए जो कि आपको ले चलते हैं लोलारा कुंड के पास। और वहाँ का क्या अपडेट है, कई लोगों ने कमेंट किया है कि 7 तारीख का क्या अपडेट है, तो 7 तारीख का अपडेट आप लोगों को दिखा रहे हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको ले चल रहे हैं लोलारा कुंड। तो देख पाएंगे कि यह जो कि अस्सी घाट है, यह जो कि द्वार है और गंगा जी यहाँ दिखाई दे रही हैं, और अस्सी घाट का रोड यही है। देख पाएंगे काफ़ी सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, जो लोग लोकल होंगे वह लोग जानते होंगे। और यह जो कि अस्सी घाट का स्टैंड है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ भी अपनी गाड़ियाँ खड़ा कर सकते हैं, अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यहाँ पर भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, दोपहिया चार पहिया वाहन। और यहाँ से हम लोगों को जो कि यहाँ तक लाइन लगती है या अस्सी घाट की तरफ चला जाता है यह भी रास्ता, यहाँ तक लाइन लगती है यह सब पूरा रोड, और आगे से जो कि अभी आपको दिखाएंगे बैरिकेड लगना भी शुरू हो गया है। तो यह देख पाएंगे यह सब अस्सी घाट का रोड है टोटल, और इस समय हम लोग 80 पर मौजूद हैं। यह देख पाएंगे जो कि बैरिकेड बांधा गया है और ऊपर से जो कि वाइट पर्दा लगा दिया गया है, ताकि जो भी लोलारा कुंड में लाइन लगाकर स्नान करने के लिए लोग आएँ उनके लिए, और उनको जो कि धूप न लगे इसलिए लगाया गया है। यह देख पाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा बैरिकेड लगाया गया है, और ये लगभग आधा किलोमीटर पहले से ही लगा दिया गया है, और सोनारपुरा की तरफ भी लगाया गया है, ताकि दोनों तरफ लाइन लगती है तो भीड़ होता है।
और यह देख पाएंगे इस समय 80 चौराहे पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से भी सीधे ही चलते जाना है। तो आगे ले चलते हैं, देख पाएंगे आगे जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जगह हो चुका है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है लोलारा कुंड में, जो भीड़ होगा उसको मैनेज करने के लिए। और आगे देख पाएंगे कि पूरा का पूरा जो कि जाम भरा एरिया है और बैरिकेड टोटल बांधा गया है। और यहाँ पे देख पाएंगे कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी खड़ी है और जब तक कि लोलारा कुंड बीत नहीं जाता है यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो कि लगी होती है और किसी को अनावश्यक बिना लाइन के अंदर नहीं जाने देती है स्नान करने के लिए और कोई भगदड़ ना हो, इसलिए यहाँ पर जो कि 2-3 दिन पहले से ही पुलिस तैनात होती है। ये देख पाएंगे दोस्तों जो कि आपको तुलसी द्वार जो कि लोलारा कुंड के बिल्कुल गेट के पास लेकर आ गए हैं जहाँ से कि अंदर जाया जाता है और लाइनें किस तरह से की दोनों तरफ लगाई जाती है। यह देख पाएंगे कि बैरिकेड लगाया गया है, पर्दा लगाया गया वाइट कलर का, दोनों तरफ इस तरह लगाया जाता है। और यही सब जो कि माला फूल सब्जी होता है देख पाएंगे यह लोग जो कि चढ़ाने के लिए बेच रहे हैं। तो ले चलते हैं अंदर की तरफ। तो यह देख पाएंगे जो कि बांस बल्ली इधर भी बांध दिया गया है और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो कुछ नहीं था और यहाँ पे प्रशासन भी निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं देख पाएंगे। और कुछ इस तरह का जो कि बांधा गया है यह सब बांध दिया गया है इसी के अंदर जो कि लाइन लगाकर अंदर जाना है देख पाएंगे। जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं था और इस समय का अपडेट आप देख पाएंगे कितना जो कि सब कुछ बांध दिया गया है। तो ये भी देख पाएंगे कि कुछ लोग अभी से ही लाइन लगा के ये बैठे हुए हैं और आज 7 तारीख है। टाइम का बात किया जाए तो आपको टाइम भी दिखा देते हैं, यह देख पाएंगे 5:11 हो रहे हैं और 7 तारीख आज है और अभी से ही लोग लाइन लगा चुके हैं यह देख पाएंगे। और यह लोग स्नान करेंगे 9 तारीख की भोर में, जब 8 तारीख के बाद 9 तारीख आता है तभी स्नान करेंगे। और किस तरह से यहाँ पे देखिए घुमावदार जाली नुमा बना दिया गया है और इसमें लोग लाइन लगाकर किस तरह से बैठे हुए हैं यह जो कि 7 तारीख का अपडेट है देख पाएंगे। यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से जो कि माताएं बहनें बैठी हुई हैं और इसी में घुमावदार जो कि बनाया गया है ये देख पाएंगे जो कि एकदम यहाँ तक। और तो यह देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर जो कि माताएं बहनें बैठी हुई हैं और लाइन लगाकर जो कि आज 7 तारीख ही है और इस तरह से लाइन लग गया है। और इसी कुंड में जो कि सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं इसी कुंड में स्नान किया जाता है यह देख पाएंगे इसी कुंड में स्नान किया जाता है जो कि साफ़ और निर्मल पानी है देख पाएंगे दोस्तों जो कि लाइन लगा कर लोग बैठे हैं इसी सीढ़ियों से उतर कर जो कि जाकर स्नान करेंगे 9 तारीख के जो कि जब 9 तारीख लग जाता है 8 तारीख के बाद तभी से स्नान 12 बजे रात से शुरू हो जाता है। और इस साइड में भी काफ़ी माताएं बहनें जो कि बैठी हुई हैं देख पाएंगे। और यहाँ पर जो कि जो भी लोग स्नान करते हैं अपने अपने कपड़े यहीं पर छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। और उस साइड में भी काफ़ी सारे लोग जो कि मौजूद हैं यह देख पाएंगे। और कुंड में इस समय कोई भी स्नान करते हुए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो कि मुहूर्त होता है मुहूर्त के समय ही स्नान करना है 9 तारीख को जो कि रात में। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वह लोग भी आकर यहाँ स्नान कर सकें।